हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज हम जो भारतीय रेलवे में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भारतीय रेलवे में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो जितने भी भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं सभी को मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है, हम देखेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है, अभी वर्तमान में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों को मिलेगा, क्या हॉस्टल में रहने पर छात्रावास सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। किस किस कक्षा के लिए अधिकतम कितनी बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, आज हम इन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स इंडियन रेलवे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रति वर्ष 2,250 के हिसाब से 12 महीने के लिए अधिकतम 27,000 रुपये। अगर आप 2,250 को 12 से इंटू कर देंगे तो आपका 27,000 रुपये बनेगा हर साल। क्या एक बच्चे का अभी वर्तमान में मिलता है, एक बच्चे का इतना मिलता है जो कि 27,000 रुपये है एक साल का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा। अगर आपके पहले दो बच्चे हैं तो उनको ही मिलेगा सिर्फ, अगर तीसरा होता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे होते हैं, अगर आपका पहले एक बच्चा होता है फिर दो एक साथ हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो तीनों बच्चों को मिलेगा। और नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण भी तीन बच्चे होते हैं तो भी तीन बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो सब देना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। परंतु अगर पहले प्रयास में ही जुड़वा बच्चे होते हैं तो फिर पहले दो जुड़वा बच्चों को ही मिलेगा। सौतेले बच्चे अथवा गोद लिए बच्चे अगर कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं तो उनको भी मिलेगा। अगर कोई बच्चे गोद लिए हैं या सौतेले हैं वो पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित हैं तो उनको भी मिलेगा। यदि बच्चा दिव्यांग है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डबल मिलेगा। अगर किसी का बच्चा दिव्यांग है तो उसे 27,000 की जगह 54,000 रुपये प्रति वर्ष मिला करेगा। बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको 6,750 प्रति महीने के हिसाब से साल का 81,000 रुपये मिला करेगा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 27,000 रुपये मिलेगा, मतलब 81,000 और 27,000, ये 98,000 रुपये टोटल मिलेगा अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो, एक साल का 98,000 रुपये मिला करेगा। पहली कक्षा से पूर्व 2 सालों के लिए अर्थात नर्सरी, LKG, UKG इनमें से किसी 2 साल के लिए मिलता है। पहली कक्षा से पहले जो होता है वो 2 सालों के लिए मिलेगा सिर्फ, वहीं पहली से लेकर 12वीं तक के लिए अर्थात कुल मिलाकर 14 सालों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है। पहली से लेकर 12वीं तक तो मिलेगा ही मिलेगा, 12 साल तो हो गए, और 2 साल नर्सरी LKG से पहले के लिए मिलेगा, तो टोटल 14 साल के लिए मिल जाएगा। अगर बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। लेकिन अगर वह किसी दूसरे विद्यालय में उसी कक्षा का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मांगता है तो नहीं मिलेगा। सपोज़ एक इसी स्कूल से फेल हो गए और उन्हें जाके दूसरे स्कूल में उसी क्लास के लिए एडमिशन मांगा तो उसे वहाँ नहीं मिलेगा फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बच्चे की उम्र 20 साल होने तक अथवा 12वीं कक्षा पास होने तक इनमें से जो भी पहले होगा वहाँ तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगर बच्चा 10वीं की कक्षा के बाद ITI अथवा डिप्लोमा अथवा अन्य कोई कोर्स करता है, 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI करता है या फिर डिप्लोमा करता है या कोई और कोर्स करता है 10वीं के बाद, तो उसे 2 सालों तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।